एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, ई1 रिएक्शन मैकेनिज्म, ई2 रिएक्शन मैकेनिज्म, ई1 सीबी रिएक्शन मैकेनिज्म। बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस करिए आप, और जितने भी क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन में उनकी पीडीएफ फॉर्मेट दी हुई है विद सॉल्यूशंस। तो मैं सुनील लखोटिया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे, प्लीज शेयर इट। ओके स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन में। द रिलेटिव रेट ऑफ एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल। भाई सिंपल सा है, OH है आपके पास, डिहाइड्रेशन करना है तो आप देखिए यहां पर डिहाइड्रेशन करना है तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा, और जब कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है उसको आप प्रायोरिटी दे दो। तो इसके अंदर क्या आंसर जाएगा जल्दी बोलो, फर्स्ट का आंसर। आप सब आंसर डी, बिल्कुल सही जा रहे हो, क्योंकि फोर्थ के अंदर जो कार्बोकेटायन बनेगा उसको हर जगह से रेजोनेंस मिलेगा। OH को हटाओ कार्बोकेटायन लाओ, OH को हटाओ कार्बोकेटायन लाओ, OH को हटाओ कार्बोकेटायन लाओ, और फिर देखो कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल नंबर वन पे ये है, यानी फोर्थ जिसमें सबसे ज्यादा है, खत्म, सारे ऑप्शन ही कट गए ये। फिर उसके बाद देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने, तीन और दो पांच, इसमें कितने, तीन और एक चार, इसमें कितने, रेजोनेंस है ही नहीं, तो ये सेकंड वाला सबसे कम होगा। फिर उसके बाद थर्ड और उसके बाद फर्स्ट, क्योंकि रेजोनेंस भी आएगा। यहां आप कहेंगे सर रेजोनेंस कहां आ रहा है, थर्ड में तो रेजोनेंस सीधा आ रहा है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कम है। तो सबसे नंबर वन पे फोर्थ, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दें। क्या है कह रहा है इसके अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो ई1 रिएक्शन मोस्ट रेडाइली। अरे यार सिंपल है, ई1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनता है तो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा कहां स्टेबल होगा, वहां जहां पर रेजोनेंस या हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। तो आप ही बताइए सबसे ज्यादा कौन सा होगा। अब लड़ाई किसकी है, सी ए एंड डी की। लिविंग ग्रुप अच्छा कौन है, आयोडीन। तो आंसर क्या जाएगा सेकंड का, जल्दी बोलो, डी, बिल्कुल सही कहा डी। अब बात करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को, पढ़िए जल्दी से थर्ड को करिए। यहां पर एल्कोहल है, देखने में तो यदि टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता तो मुझे ये रिएक्शन सॉल्वोलिसिस होती हुई दिखती, लेकिन अब ये ब्रोमीन हटाना है मुझे और यहां क्या लगाना है मुझे, प्लस। क्या 1-2 शिफ्टिंग होगी, हाँ 1-2 शिफ्टिंग होगी। चार कार्बन वाली किसमें चेंज हो जाएगी, पांच कार्बन में, तो ये चार कार्बन वाली ये पांच कार्बन में हो जाएगी, CH3 CH3। और यहां पर जैसे ये 1-2 शिफ्टिंग होगी, यहां पर प्लस है, ये यहां जाएगा, ये कार्बन कहां, प्लस कहां आएगा, यहां पर, तो फिर वापस 1-2 शिफ्टिंग होके ये यहां पहुंच जाएगा। और अब आगे OH भी यही बाकी, अब क्या हो रहा है, एल्कीन बनानी है तो कौन सी एल्कीन बनाओगे आप, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो यहां एल्कीन वो बनेगी, क्या कुछ और देखने को मिल रहा है आपके, ठीक है गलती हो रही है, जैसे ये पांच आएगा तो यहां पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। पहले तो बनाइए कार्बोकेटायन इस तरह का बनेगा, ये यहां जाएगा कार्बोकेटायन आपको इस तरह देखने को मिले, जिसके अंदर 1-2 शिफ्टिंग होके यहां कार्बोकेटायन आ जाएगा, मिथाइल की शिफ्टिंग यहां होगी और बनने वाली एल्कीन फिर क्या होगी, इस तरह से देखने को मिलेगी। तो आपके पास सबसे पहले कार्बोकेटायन ये बना, जो 1-2 शिफ्टिंग में इस तरह से चेंजेज हो रहा है, और फाइनली आपको ये एल्कीन देखने को मिल रही है। ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन इधर, ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ, ये बाहर चला जाएगा, H प्लस अलग हो जाएगा और जो H प्लस आया था वो वापस निकल गया। तो ठीक है, ये आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो इससे आंसर क्या बन रहा है आपके पास, देखिए सी, क्लियर है, तो आंसर क्या जाएगा इसका, सी। थर्ड का आंसर टिक करिए, सी। फोर्थ, तो फोर्थ वापिस अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, क्या पढ़िए इसको जल्दी से और बताइए क्या आंसर है, क्या बोल रहा है इसके अंदर, फोर्थ का आंसर क्या बनेगा, देखिए फोर्थ को पढ़िए, SN1 स्टेप वन हो रही है और दूसरे में कंसंट्रेशन H3PO4 ले रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। एक्वस एसीटोन अगर आपने लिया है स्टेप फर्स्ट में, इंटरमीडिएट आर फॉर बोथ द स्टेप्स आर रिस्पेक्टिवली। तो देखिए मुझे जब पहली बार दिखाई दे रहा था, भले मैं एसीटोन ले रहा या एक्वास ले रहा हूं सिंपल वाटर, तो इस जगह आपको लग रहा है यहां पर क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, समझ में आया,
कार्बोकेटायन बनेगा बिल्कुल। और दूसरा रिएक्शन में जब आप कंसंट्रेटेड H3PO4 ले रहे हो तो भी आपके पास इसी तरह का बन रहा है, तो भी आपको यहां पर कार्बोकेटायन ही देखने को मिलेगा और फाइनल प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो इसको भी करिए, बोथ द स्टेप्स आर रिस्पेक्टिवली, दोनों में ही कार्बोकेटायन है, अलग अलग है, लेकिन ये इस तरह से है, ऐसे नहीं, ऐसे, एक बार ये एक बार ये, और दोनों में ही कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट रहेगा। ठीक है, तो अब आपके पास कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन बस। तो आंसर क्या जाएगा, फोर्थ का डी, जल्दी से टिक करिए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, क्या आंसर जा रहा है फिफ्थ का, जल्दी बताएं, देखते हैं आप सही बोल रहे हो। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ देयर ट्रांजिशन स्टेट ड्यूरिंग एलिमिनेशन बाय स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस से एलिमिनेशन देखना है। क्या यहां पर कार्बोकेटाइन या कार्बोनायन इंटरमीडिएट होता है, नहीं, तो बस मोर स्टेबल प्रोडक्ट उतनी ही ज्यादा स्पीड से होगा, तो इसमें तो बेंजीन मिलेगी तो सेकंड सबसे ज्यादा होगा, तो ऑप्शंस ये दो हो गए, दो तो मैंने यही काट दिए। अब लड़ाई क्या है कि सेकंड और फर्स्ट और थर्ड में इसमें रेजोनेंस मिलेगा, तो थर्ड की बात क्या आएगा, फर्स्ट आएगा ना कि थर्ड, तो आंसर सेकंड, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड, बिल्कुल सही है। सीधा डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो फास्टेस्ट एलिमिनेशन रिएक्शन। अरे वाह, तो फास्टेस्ट एलिमिनेशन करना है आपको, ठीक है, तो देखिए वो ज्यादा, और वो भी अल्कोहलिक क्यों से, सिंपल सा है, ई टू मैकेनिज्म देखने को मिलेगी, हर एक का प्रोडक्ट बना लो जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन मिलेगी, वही आपका आंसर होगा। तो हर एक की एक बार एल्कीन बना के तो देखो आप सबसे ज्यादा किसकी बन रही है। सिक्स के अंदर आपको आंसर क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी बोलो, ए, बिल्कुल सही है। ये बी आर को हटाओ और यहां लगाओ, अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3, 2, 5 और 2, 7, जबकि यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर भी एलिमिनेशन होगा और यहां पर बी अल्फा हाइड्रोजन इतने, यहां पर ये हमारे पास रिएक्शन होगा सिर्फ 4 है, यहां पर हमारे पास यहां पर बनेगा और देखा जाए तो अल्फा का, तो ये तो बहुत पीछे है। लड़ाई इन दोनों की है, सिस और ट्रांस की, ठीक है, तो सिस और ट्रांस की है। सिक्स के अंदर आंसर क्या जाएगा, हमें किसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, सिस को, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो एलिमिनेट होगा वो ट्रांस वाला होगा, सिस वाला तो होगा ही नहीं, तो बी आर के अपोजिट वाला हाइड्रोजन ये रिप्लेस होना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत क्या आएगी कि यहां जो दोनों ये ट्रांस है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ब्रोमीन सेम डायरेक्शन में होंगे, और मैंने आपको पहले ही बताया था एलिमिनेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए आंसर यहां पर जो बनेगा वो बनेगा आपके लिए सिस में। लॉक करो इसको, नेक्स्ट। अब आती है बात यहां सेवेंथ के लिए, हमारे पास ये रिएक्शन दिया है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमिनेशन रिएक्शन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो बताइए इसके अंदर ए बी सी डी क्या जाएगा, जल्दी से बताओ, सेवन का आंसर, सेवन का आंसर इसके अंदर, चलिए देखते हैं। आपने सी बोला है, देखो यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, बस आपने यहीं से पकड़ लिया। आप ये बताइए एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, मेरी ट्रिक याद हो, मैंने ट्रिक बताई थी एक बात, ये कौन सा एलिमिनेशन करती है, नेगेटिव, यानी एंटी एलिमिनेशन, मैंने नेगेटिव, और जिन हाइड्रोजन को निकालना है वो दोनों किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, अगर नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, और जब नेगेटिव आता है तो ये पीएच और ये पीएच एक दूसरे के कौन सी पोजिशन पे होगी, अपोजिट, यानी ट्रांस, तो जब ये ट्रांस में होगी तो ये पीएच पीएच एक दूसरे के ट्रांस में, बिल्कुल सही आंसर बताया आपने, बिल्कुल शाबाश, दोनों पीएच ट्रांस में होंगे। अब इधर देखिए, यहां पर जब बीआर और इस एच को निकाला जा रहा है तो ये अपने आप में नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में, और ये भी आपके पास क्या है, एलिमिनेशन, नेगेटिव डायरेक्शन एलिमिनेशन कर दें, तो नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आएगा, तो ये सीएच थ्री और ये सीएच थ्री दोनों में क्या होंगे,
सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो सी एच थ्री सी एच थ्री दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। कितना सही आंसर दिया है आपने, बिल्कुल सी आंसर सही है, सही है। तो यहां आपका आंसर बिल्कुल सही है और स्टीरियो केमिस्ट्री में इसका कोई तोड़ नहीं है मेरी ट्रिक का। सेवेंथ, अब आगे आइए एट्थ, लिखिए एट्थ का आंसर क्या जा रहा है आपका, जल्दी से बताओ। ठीक है, विच मैकेनिज्म हैज डिफरेंट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देन अदर। चलिए आपने मेरे को बी बोला, बिल्कुल सही है। चलिए मैं रीजन बताता हूं कैसे, आप सही एक्सप्लेन नहीं कर रहे। इसको देखो पहले, अगर यहां ऑर्डर देखेंगे तो वन का सबसे ज्यादा होगा या सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा होगा, फिर टू का, फिर थ्री का। यहां क्या होगा, वन का सबसे कम, फिर टू का, फिर थ्री का। यहां क्या होगा, वन का सबसे ज्यादा, टू का, फिर थ्री का, थ्री डिग्री का सबसे ज्यादा। यहां थोड़ा सा गलती हो रही है, शुरू से स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री, एस एन वन का ऑर्डर रहेगा, ये वन टू और थ्री, यहां वन टू थ्री, ये रहेगा ऑर्डर। तो ये और ये तो सेम आ ही रहे, ये अलग बढ़ रहा है। और E2 के अंदर भी देखो कार्बो एनायन स्टेरिक हिंडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन मिलते हैं अल्फा पोजीशन पे उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो 3 2 1, यानी वही हम बात करें, ये तीनों एक है और यहां ऑर्डर अपोजिट जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। यानी कहने का मतलब ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि औरों से क्या, यहां सब जगह 3 डिग्री ज्यादा शो कर रहा है और ये वन है, और यहां पर 1 डिग्री ज्यादा शो कर रहा है, इसलिए आंसर आपका उस हिसाब से इसका आंसर क्या जाएगा, बी। नेक्स्ट, जल्दी बताएं इसमें सबसे ज्यादा कौन रहेगा। देखिए करेक्ट ऑर्डर अगर हम बात करें SN2 में, तो मेरे लिए SN2 सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसके लिए, क्योंकि 1 डिग्री है, तो SN2 बहुत ज्यादा होगी, बहुत बहुत ज्यादा होगी, किससे, E2 से, बिल्कुल सही है। एलिमिनेशन कम होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन भी यहां पर क्या है, कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो R वाला आ गया, तो आपका आंसर में सबसे ज्यादा क्या होगा, R। फिर देखिए कि यहां पर ये तो देखिए 3 डिग्री है, ये तो सबसे कम होगा, यानी P सबसे कम होगा, ये बात भी तय हो गई 3 डिग्री, और यहां पर ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, लेकिन इसके पास वाला 3 डिग्री है, तो P के बाद जस्ट Q आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, तो बचा कौन, S। तो ये हमारे पास रहेगा, ये सबसे ज्यादा SN2 देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा, और P तो सबसे कम देगा। आप सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस क्राउड टॉप पॉइंट को लेते हुए देख लीजिए, SN2 सबसे ज्यादा किसमें होगा, और जिसमें SN2 ज्यादा होगा उसके लिए SN2 बाय E2 की रेशियो भी ज्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, चेक करें जल्दी से, फर्स्ट, ठीक है, जो भी आ रहा है उसको टिक करें, यहां पर नो हो गए। नाइन्थ, टेंथ, देखिए क्या आंसर बता रहे हैं टेंथ का आप, आंसर ओके। तो पहले तो आप ये देखिए NaOH हुआ क्या, अप्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, यानी आप बताने चाह रहे हैं कि यहां पर भाई NaOH है, OH माइनस है, आप अप्रोटिक सॉल्वेंट लेकर जो गिवन कंपाउंड है उसमें SN2 मैकेनिज्म दिखा दो आप, HCH3, अब क्या करोगे, OH ऊपर ले लो, H नीचे ले लो, SN2 मैकेनिज्म, अप्रोटिक सॉल्वेंट, हीटिंग करानी नहीं तो एलिमिनेशन, फिर PBr3, वेरी गुड। तो एक तरह से अब अगली बार क्या हो जाएगा आपके पास, HCH3, जिस डायरेक्शन में O है उसी डायरेक्शन में Br आएगा, H, ठीक है, Br उसी तरफ चेंज हो गया। अब आगे, नेक्स्ट, आगे क्या आ रहा है, KOH और DMSO, यानी वापिस एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिल रही है आपकी, SN2 CH3, तो यहां पर क्या आ जाएगा, H ऊपर चला जाएगा, OH नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर SOCl2 कर रहे हैं आप, तो Cl वापिस कहां जाएगा, एक तरह से ऊपर चला जाएगा या नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, तो ये Cl ऊपर जाएगा और H नीचे आएगा, और यहां पर H तो है ही इस तरफ, CH3 है। तो अब बताइए सेकंड और फर्स्ट एक दूसरे के क्या हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, भैया मेरे को तो ये सिर्फ ऊपर नीचे का गेम दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, GI, क्योंकि यहां डिस्टेंस X है, जब Cl ऊपर चला जाएगा तो यहां डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी Y, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, यानी एक दूसरे के आंसर क्या होंगे, C, तो ये एक दूसरे के आंसर होंगे C, बिल्कुल सही है, आप इसको आंसर टिक करें, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए 11th का आंसर बताइए जल्दी से। 11th का आंसर आपका क्या जा रहा है? सी। देखिए बिल्कुल सही है, अल्कोहल डिहाइड्रेट इन स्ट्रॉन्गली बेसिक कंडीशंस बाय ईवन मैकेनिज्म। सही है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन है, अल्कोहल डिहाइड्रेट स्ट्रॉन्गली बेसिक कंडीशंस बाय ईवन मैकेनिज्म। तो आपको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है, तो मैं एक एक करके दोबारा बता देता हूं। बाय मॉलिक्यूल एलिमिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। जब भी बाय मॉलिक्यूल है तो आप भी जानते हैं कि एलिमिनेशन एंटी होता है, तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। हाँ, और इसकी मैंने बहुत प्यारी शॉर्ट ट्रिक भी बना रखी है, आपको याद होगा। नेक्स्ट, ये करेक्ट है इसलिए आंसर, ये करेक्ट है स्टेटमेंट इसलिए आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। इन एसएन टू रिएक्शन ए सिंगल आइसोमर इज ओनली प्रोडक्ट, एसएन टू के अंदर इन्वर्जन होता है, ये भी सही है तो ये भी गलत है। अल्कोहल डिहाइड्रेट इज स्ट्रॉन्गली बेसिक कंडीशन बाय ईवन मैकेनिज्म। देखिए ये अल्कोहल है, एसिडिक कंडीशन में ये ईवन मैकेनिज्म देगा, बेसिक कंडीशन में नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोफाइल है और बेस OH माइनस भी इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये गलत है इसलिए आंसर सही है। यहां मीडियम एसिडिक चाहिए। नेक्स्ट, थ्री हाइड्रोक्सी प्रोपेनल डिहाइड्रेट्स इन स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन ईवन CB मैकेनिज्म। हाँ ठीक है, डिहाइड्रोक्सी ईवन CB हमारे पास हो सकता है कि पास वाला OH ले जाए, बिल्कुल सही है, हमारे पास आ सकता है ये। तो आप कहेंगे सर वहां पर क्यों नहीं बोला इवन, इवन तो साफ ही बोल रहा हूं नहीं होगा, इवन सी भी हो सकता है बिल्कुल, तो ये बात क्लियर है और हम यहां पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट द पॉसिबल नंबर ऑफ एल्कीन्स। एक बार और समझाना है, ठीक है। देखो थ्री हाइड्रोक्सी प्रोपेनेल, पहले प्रोपेनेल बनाओ, ये लो प्रोपेनेल हो गया तीन कार्बन, फिर थ्री हाइड्रोक्सी 1 2 3, ये थ्री हाइड्रोक्सी है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये जाएगा इंटरमीडिएट क्या बनेगा यहां पर एनायन, और यहां पर OH है। ड्यू टू रेजोनेंस इट इज स्टेबल, ड्यू टू रेजोनेंस इट इज स्टेबल। अब ये वाला इस तरफ जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बहुत ही प्यार से ये रिएक्शन हो गई। तो जब भी इस तरह की रिएक्शन होगी आपके लिए बेनिफिशियल है, और ये मैकेनिज्म क्योंकि ये स्टेबल है तो ये दो स्टेप में होगी, और इसका कॉन्जुगेट बेस ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी शो कर रहा है, और इसीलिए इवन CB रिएक्शन है। पार्ट सेकेंड, अच्छा अभी ये बाकी है। क्वेश्चन नंबर 12, करिए इसको, प्रेडिक्ट द पॉसिबल नंबर ऑफ एल्कीन्स आर मेन एल्कीन इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। एक्सेस CH3I, ठीक है, Ag2O के साथ आपने किया, आगे भी चलने दो, हीट दिया और प्रोडक्ट बना रहे हैं आप, चलिए ठीक है। तो अब हमारे पास इसके अंदर कितने तरह की एल्कीन बनेगी, बनाइए इसको। कैसे हम इस रिएक्शन को देखेंगे, सबसे पहले तो ये हमारे पास बनाइए कि है क्या, नाइट्रोजन है, CH3 अपने आप में CH3 यहां आएगा, पहले ही यहां पर है, C2H5 यहां पर है, H यहां पर है और प्लस यहां पर है। अब कोई भी एक ग्रुप अलग होने की इच्छा रखेगा, और वो ग्रुप अलग होगा जिसमें कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल हो, बाकी भी हो सकते हैं ऐसा नहीं कह रहा मैं। तो कुल कितनी तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ये बनेगा, 1 2 3 4 5 6 6 का 1 2 3 4 5 6, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, इधर से अलग हुआ C2H5 कार्बोकेटाइन बनेगा, CH3+ हाईली अनस्टेबल है, तो बाकी के कार्बोकेटाइन कुछ भी एल्कीन नहीं बनाएंगे। अब ये कितनी तरह की एल्कीन बना सकता है, ये जल्दी बताइए, दो तरह की या तीन तरह की। देखिए पहले तो ये बनाएगा, एक ये वाली बनेगी, और इस तरफ बनाएगा तो ये सिस और ट्रांस
दो बनाएगा, यानी एक ये हो जाएगी और इसकी दो बनेगी ये वाली, तीन एल्कीन तो यहां से बन गई, इससे भी एक एल्कीन बनेगी और वो बनेगी ये वाली एल्कीन। तो टोटल एल्कीन कितनी बनेगी? चार, और CH2 CH2 इनमें से एक होगी, तो हमारे पास चार एल्कीन बनेगी और जिसमें से CH2 CH2 हमारे पास है एक। तो कुल मिला के ये हमारे पास एल्कीन्स का एक खजाना सा बन गया है। तो आपके पास चार एल्कीन है और C2H2 उनमें से एक है, तो ये आप करेंगे। नेक्स्ट सिंगल चॉइस, अब बताइए इसको कैसे करना है। जेड और वाई की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है इस क्वेश्चन में, चलो देखते हैं। एक्स इज द स्मॉलेस्ट ऑप्टिकल एक्टिव एल्कोहल, वन डिहाइड्रेशन कैन फॉर्म वाई नंबर ऑफ एल्कीन्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ऑन रिएक्शन विद लुकास रिएजेंट इट फॉर्म जेड नंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, रिपोर्टिंग द आंसर वाई एंड जेड, ठीक है, या जेड एंड वाई, जो भी पूछ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, करिए इसको जल्दी से। एक्स स्मॉलेस्ट ऑप्टिकल एक्टिव अल्कोहल है, तो ये कार्बन है, एक तरफ CH3 रखी है, एक तरफ हाइड्रोजन रखी है, एक तरफ C2H5 रखी है और नीचे OH रखी है, बिल्कुल इतना तो कर सकते हैं। यही सबसे छोटा अल्कोहल है जिसके पास ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन है। अब अगर आप इसकी एल्कीन बनाएंगे तो हमारे पास ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, तो आपके पास कुछ इस तरह की एल्कीन बनेगी, एक दो तीन, यानी तीन तो एल्कीन बनेगी। और अगर लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास यहां पर Cl आएगा, CH3 C2H5H, ये कायरल होने के लिए की वजह से दो बनेंगे हमारे पास, एक इसका मिरर इमेज भी बनेगा। तो बताइए कितने एल्कीन बन रही है हमारे पास, तीन, और कितने एल्काइल हैलाइड बन रहे हैं, दो, तो आंसर क्या रहेगा इसका, 23। नेक्स्ट, इन द स्टार्टिंग मटेरियल इज लेबल्ड विद ड्यूटेरियम इज इंडिकेटेड, प्रेडिक्ट हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एटम बी प्रेजेंट इन द मेजर एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो पहले इसका प्रोडक्ट बनाओ आप, क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर, आपके लिए कंसंट्रेटेड H2 है, एल्कीन बनेगा, यहाँ पहले प्लस आएगा और वो एल्कीन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल है, यानी कि आपके पास CD3 यहाँ आएगा, मेजर प्रोडक्ट के अंदर पूछ रहा है। तो मेजर के अंदर आपका ये वाली एल्कीन बनेगी और यहाँ मेजर के अंदर आपके पास कुछ इस तरह की एल्कीन मिलेगी, CH3, एक ड्यूटेरियम यहाँ, एक यहाँ, एक ड्यूटेरियम गायब हो जाएगा। तो इसके अंदर कितने ड्यूटेरियम होंगे, तीन, और इसमें कितने होंगे, तीन, यानी 3 + 3 कितना होगा आंसर, 6। तो इसका आंसर आप टिक करिए, 6, ठीक है, इसका आंसर क्या टिक करेंगे आप, 6। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ एल्कीन पॉसिबल बाय डिहाइड्रोब्रोमिनेशंस ऑफ दिस दिस 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन, तो 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन करो आप, 1 2 3 4 5 और ये 6, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल। तो अब आप ये देखिए इसमें एल्कीन कौन सी बनेगी, एलिमिनेशन रखना है, एक ये बन सकती है, एक ये वाली भी बन सकती है, यानी ये ट्रांसफॉर्म हो गई, इसकी सिस फॉर्म भी बन सकती है, ये वाली 1 2 3 4 5 6, और इसकी एक और बन सकती है, कौन सी बन सकती है, यहां CH3 है, यहां बन जाएगा। तो एक दो कुल मिला के हमारे पास बहुत सारी हो सकती है, और इसकी ट्रांसफॉर्म भी बन सकती है, ट्रांसफॉर्म कैसी बनेगी आपके पास, ये दोनों एक ही तरफ आ गए, ये तो अभी ट्रांस है और ये हमारे पास मान लीजिए ये से एक ट्रांस बना लीजिए बस, ठीक है ना। तो देखा जाए तो एक एक इसकी दो बनेगी ट्रांस और एक यहां पर भी बन सकती है, कौन सी वाली, आप ध्यान से देखिए, यहां पर 1 2 3 4 5 6 जो भी आ रहा है यहां पर एल्कीन, तो टोटल कितनी हो गई, एक इसका भी बनेगा, तो 1 2 2 4 और 1 5, तो टोटल एल्कीन कितनी देखने को मिल रही है आपको यहां पर, 5, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। इन द गिवन रिएक्शंस H2SO4 है, तो यहां पर कितनी एल्कीन मिलेगी, टोटल नंबर ऑफ एल्कीन, फिर वैसा ही क्वेश्चन आपके साथ है। तो देखिए आप पहले तो ये देखिए कि यहां पर कार्बोकेटायन लगा दो, सीधा सीधा हटाओ, सही है, ये कार्बोकेटायन यहां पर जब भी एल्कीन देगा सिर्फ एक ही देगा, तो एक इस तरफ बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी, इस तरफ से और ट्रांस की तरफ दो बनेगी, यस और नो, और कार्बोकेटायन शिफ्ट करेगा 1-2 शिफ्टिंग, तो 1-2 शिफ्टिंग होने के बाद ये एच उधर जाएगा, यहाँ कार्बोकेटायन आएगा, तो जब यहाँ आएगा तो ये 1-2 शिफ्टिंग से यहाँ पर भी सेस और ट्रांस दो बनेगी, तो 2 2 4 और 1 5,
पांच, तो इसका आंसर भी कितना जाएगा, पांच। तो ऊपर वाले का भी पांच एल्कीन था, नीचे वाले का भी पांच जाएगा। बस अंतर ये है कि यहां पर वन टू शिफ्टिंग देखने को भी मिल रही है आपको, जिससे आपके नंबर ऑफ एल्कीन्स बढ़ भी रही है। तो यहां आपके आंसर कितना जाएगा, पांच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर हमने बता ही दिया इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, KOH है, X is total number of possible alkene, यहां पर प्लस लगाओ, यहां पर कितनी बनेगी, ये इस तरफ बना सकता है पक्का, तो कैसे भी कर लो यहां पर दो बनेगी एल्कीन इन दोनों के बीच में और एक यहां बनेगी, तो टोटल आंसर कितना आएगा एल्कीन का, यहां पर थ्री, तीन ही बनेगी, कोई ज्यादा खास नहीं है। द डिफरेंस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ मेजर प्रोडक्ट पी एंड क्यू फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए फॉलोइंग रिएक्शन देखते हैं हम क्या होगा। ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। सबसे पहले QOS दे रखा है, ठीक है, अब बताइए कहीं पे भी यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, नहीं, ये तो बल्कि उल्टा सब्स्टिट्यूशन देगा, ये आएगा या आयोडीन निकल जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट रिएक्शन है उसके अंदर आंसर होगा आपके पास कुछ इस तरह का, ये OH आएगा तो ये एक तरह से OCH3 बन जाएगा पक्का, और OCH3 बनेगा और कुल मिला के ये आपके पास आयोडीन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ OCH3 हो जाएगा और ये CH3, तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये एक तरह से रिएजेंट होगा, ये सब्सटेंस होगा और एसेंट टू रिएक्शन देखने को मिलेगी पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ यानी ये हमारे पास मेन एग्जाम में ये बनेगा मेन प्रोडक्ट इसमें, और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, ठीक है। अब दूसरा, क्या यहां पर इस तरफ देखा जाए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, नहीं, क्यों नहीं दे सकता, SN2 नहीं दे सकता 3 डिग्री होने की वजह से अल्काइल। अब यहां आपके पास अगला क्या चांसेस है जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो चलिए यहां आपके पास चांसेस रहेगा KOH, बिल्कुल सही कहा आपने, कि क्या यहां पर आपके पास OH है, तो अब आपके पास क्या रहेगा, एल्कीन बनने को देखने को मिलेगी, तो यहां मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये हाइड्रोजन अलग होगा और ये आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है निकल जाएगा, तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस तरह की एल्कीन बनेगी आपके पास CH3, यानी ये वाला हाइड्रोजन OH ले लेगा, हीटिंग कर रहे हो साथ के साथ, अब इसका कोई रोल नहीं रहेगा। तो इन दोनों के मोलर मास में कितने का डिफरेंस है, देखिए मैं तो सीधा सीधा सा देख रहा हूं कि OCH3 का डिफरेंस तो आ ही रहा है और एक हाइड्रोजन और है, तो जब भी इस तरह का होगा तो OCH3 और एक यह हाइड्रोजन और कम है, तो कुल मिला के इतना ग्रुप हटाया है आपने तब जाके ये बना है, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ दिस, तो इतने का डिफरेंस है इन दोनों में, समझ में आ रहा है। तो ये मोलर मास कितना है आप देखिए, 16, एक 17 और 12, 3 15, तो 16, 17, 17 और 15 आप देख लीजिए कितना हुआ आंसर, 7 5, ये आपके पास कितना हुआ 32, 32 का डिफरेंस आ रहा है, तो आंसर 32 ही होगा यहां पर 6 का, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए आप, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन स्केलेटन ऑफ सब्सट्रेट इज पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट किसमें देखते हैं, आप जानते हो कार्बोकेटायन के अंदर देखने को मिल जाता है, तो कुल मिला के अब जिस तरह का हम देख रहे हैं, यस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक नहीं होता, कार्बोएनायन में 1-2 शिफ्टिंग देखने को नहीं मिलती, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एलिंग, एल्कीन में एच प्लस अटैच होता है कार्बोकेटायन बनता है, हाँ यहाँ पॉसिबल है, फ्री रेडिकल में भी आपका 1-2 शिफ्टिंग देखने को यहाँ नहीं मिल रही है। नेक्स्ट SN1 में हाँ बिल्कुल देखते हैं, SN2 में नहीं है, E1 में नहीं है, E2 में कार्बोकेटायन बनता का E1 में कार्बोकेटायन बनता है, हाँ यहाँ पर है, E2 में नहीं है, E1 CB में नहीं है, SN2TH में नहीं है, SNAR में नहीं है, यहां कहीं पे भी कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, तो कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है तो आप शिफ्टिंग भी भूल जाओ, तो मेजर आपके पास SN1, E1 और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन, तो इसका आंसर क्या जाएगा 3 जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन सिक्वेंस ये करना है, और क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट मॉलिकुलर मास W और प्रोडक्ट I एंड रिपोर्ट योर आंसर N, N को क्या करना है, W को डिवाइड करना है 3 से, यानी W का मोलर मास बहुत ज्यादा होगा, तो चलो ये रिएक्शन देखते हैं, है क्या रिएक्शन, तो ये हमारे पास आ रहा है OH, OH, PH, PH, तो मैं जहां तक समझ रहा हूं H2SO4 यानी H+ वो कार्बोकेटायन बनाएगा सबसे पहले इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल है,
तो यहां पर रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है अभी तो, ठीक है, बन गया। अब वन टू शिफ्टिंग होगी, पीएच के शिफ्ट कैसे भी करें, वन टू शिफ्टिंग, ये रिंग एक्सपांशन होगा और ये प्लस इधर जाएगा, तो ये आपके पास कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये बॉन्ड शिफ्ट होते यहां जाएगा OH, समझिएगा बात को, पीएच और ये पीएच, तो ये वन टू शिफ्टिंग हुई है, तो यहां पर प्लस भी आया है, ठीक है, ये प्लस यहां आएगा और रेजोनेंस की वजह से ये भी स्टेबल है। तो नेक्स्ट आपके पास जो रहेगा वो इस तरह से होगा, अब ये प्लस इस तरफ जाएगा और नहीं सॉरी, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये कीटोन बन जाएगा और ये पीएच पीएच इस तरह से बनेगा आपके पास। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बाद ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको किस में चेंज कर देगा, अल्कोहल में चेंज कर देगा, ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा और ये पीएच पीएच। फिर उसके बाद HCPO4 एच प्लस आएगा, कार्बोकेटायन बनाएगा, तो यहां पर आपके पास ये कार्बोकेटायन बना, ये पीएच ये पीएच। अब वन टू शिफ्टिंग होगी, बिल्कुल वन टू शिफ्टिंग होने के साथ ही ये पीएच और ये पीएच और कार्बोकेटायन यहां आ गया, और अब फाइनली प्रोडक्ट आपकी कौन सी बनेगी, एल्कीन, ये एल्कीन देखने को मिलेगी आपके पास, पीएच पीएच और ये एल्कीन है। इसका मोलर मास आपके पास निकल जाएगा आराम से, आप निकाल सकते हो और उसको डिवाइड करो 3 से 100%, तो आपके पास कितना आ रहा है, और उसको डिवाइड करते ही आपका आंसर कितना आ जाएगा, 78 मोलर मास निकाल लेना पीएच का, पीएच का कितना है मैं आपको निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है, बस 78 उसका डिवाइड कर देना आंसर आ जाएगा 3, यानी इसका मोलर मास 78 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा तो आप उसको जब 3 का डिवाइड करेंगे तो 78 आ जाएगा, करिएगा इसको। करते हैं कुछ थर्ड पार्ट, मल्टीपल चॉइस है यानी मोर देन वन करेक्ट भी है। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड इन गिवन रिएक्शंस, टू ब्रोमो, ठीक है, टू ब्रोमो वन वन डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन है, वन वन डाई मिथाइल, ये वन वन डाई मिथाइल और ये टू ब्रोमो, ठीक है, और C2H5OH है और गर्म भी कर रहे हो, तो आप ही बताइए गर्म भी कर रहे हो थोड़ा बहुत, तो यहां पर क्या बन सकता है, ये बन सकता है, हाँ SN2 रिएक्शन से ये बन सकता है, ये बन सकता है, हाँ कौन सी रिएक्शन से, E1 से बनेगा एल्कीन, यहां पर ये वाला पार्ट क्या करेगा कार्बोकेटायन बना देगा, क्या ये बन सकता है, हाँ ये भी E1 से बनेगा, या सुनो क्या ये बन सकता है, जब कार्बोकेटायन होगा तो वन टू शिफ्टिंग होगी, यस, तो ये बनेगा SN1 से, बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, तो मेरे लिए तो सारी रिएक्शन है, यहां पर भी मुझे गलती हो रही है, मैं यहां पर SN1 ही बोलूंगा, कार्बोकेटायन बनेगा और फिर चेंजेज होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्या SN2 बोल सकता हूं मैं यहां पर, ब्रोमीन निकला कार्बोकेटायन बनेगा, मैं यहां पर नहीं बोलूंगा, मैं इसको SN1 ही बोलूंगा, SN2 नहीं बोलूंगा, SN1 से ये बनेगा, E1 E1 से ये बनेगा, ठीक है बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर फिलहाल तो ABCD चारों जा रहे हैं, और उनके पीछे की मैकेनिज्म भी मैंने बता दी, अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उसके पास 3 डिग्री या 4 डिग्री कार्बन है तो मान के चलिए वो SN1 देगा, SN2 नहीं देगा, क्योंकि उसका स्टेरिक हिंड्रेंस भी यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज आर करेक्ट फॉर द E2 रिएक्शंस, ठीक है, 5 ब्रोमो साइक्लोहेप्टेन, 5 ब्रोमो, ये ब्रोमो हो गया साइक्लोहेप्टेन, यार अजीब सा है, 5 ब्रोमो साइक्लोहेप्टेन, हेप्टेन बात कर रहा है, तो हेप्टेन के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, तो साइक्लोहेप्टेन के लिए अब आपके पास और भी ज्यादा, तो आप ही बताइए साइक्लोहेप्टेन है, ठीक है ना, तो उसके लिए 5 ब्रोमो की लगाने की क्या जरूरत थी, थोड़ा सा सोचिए, अच्छा हेप्टीन है, ओके हेप्टीन, ये हेप्टीन है, 1 2 3 4 5 यहां ब्रोमो है, ठीक है, और यहां पर ब्रोमो हेप्टीन है, ठीक है, और अगर यही ब्रोमो यहां होता तो कौन सी रिएक्टिविटी ज्यादा होती, चलिए E2 मैकेनिज्म में अगर मैं यहां पर रखता तो ये वाली एल्कीन बनती है जो कि यहां पॉसिबल नहीं है, और यहां रेजोनेंस देखने को मिलता, तो मेरे लिए तो ये ऑप्शन गलत हो गया,
नहीं हो सकता क्योंकि ये होगा ही नहीं, और यही पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है, इसलिए ये आंसर भी गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेट एल्कीन मिलेगी जो कि यहां नहीं मिल रही है, टू ब्रोमो वन फिनाइल ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन बनाओ आप जल्दी से अब, और यही ध्यान रखना कि कॉन्जुगेट है या नहीं है, अगर इस चीजों का ध्यान रखा तो आपका आंसर सही चला जाएगा। तो टू ब्रोमो वन फिनाइल ब्यूटेन और थ्री ब्रोमो वन फिनाइल ब्यूटेन, तो यहां आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, टू ब्रोमो वन फिनाइल ब्यूटेन, तो पहले तो वन फिनाइल ब्यूटेन बनाओ आप, ये ब्यूटेन बना दिया आपने, वन फिनाइल, ये वन पे फिनाइल, टू ब्रोमो, ये टू ब्रोमो भी ले लिया आपने, सही है। तो पक्का अगर ये ज्यादा देगा, हाँ क्योंकि कॉन्जुगेट एल्कीन बनेगी, तो ये बिल्कुल सही है, यहां कॉन्जुगेट एल्कीन बन रही है, थ्री ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, यहां पर भी कॉन्जुगेट एल्कीन बन रही है, तो ये भी आंसर सही है, टू ब्रोमो टू मिथाइल पेंटेन, टू ब्रोमो थ्री ब्रोमो टू मिथाइल पेंटेन, ये पेंटेन है, एक दो तीन चार पांच, और थ्री ब्रोमो, तो यहां जो एल्कीन बनेगी वो आपके पास इस तरह की बन रही है। ठीक है, टू ब्रोमो टू मिथाइल, अरे यार टू ब्रोमो, और यहां जो एल्कीन बन रही है थ्री ब्रोमो टू मिथाइल, तो टू मिथाइल आपके पास ये है, तो एल्कीन इस तरह की देखने को मिलेगी इसमें, और इसमें टू ब्रोमो पेंटेन है, टू ब्रोमो टू मिथाइल, तो आपको यहां पर पेंटेन सही है, फोर मिथाइल, एक जगह ब्रोमीन यहां पर है और मिथाइल यहां पर है, तो आपको एल्कीन कौन सी मिलेगी? आप ज्यादा ज्यादा ये बना सकते हो या ये बना सकते हो, सपोज आपने ये बनाई तो स्टेबल होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहां पर भी आंसर जाएगा डी, तो इसका आंसर आएगा बी सी डी, बिल्कुल, जिस इसमें सब में आपको एल्कीन बना के देख लो, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है या रेजोनेंस है वो एल्कीन ज्यादा तेजी से बनेगी और रेट भी ज्यादा होगी, तो इस हिसाब से आंसर क्या आएगा? बी सी डी, समझ में आ रहा है? तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन, अब बताइए यहां पर टर्शियरी है, डीएमएसओ है, तो कौन सी बनेगी जल्दी से बताइए? हॉफमान प्रोडक्ट मेजर रहेगा क्योंकि टर्शियरी है, तो आंसर ए जाएगा, हॉफमान प्रोडक्ट। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन फर्स्ट रिएक्शन में हॉफमान होगा, सेटजेब प्रोडक्ट इन मेजर, यहां नॉर्मल है इटो और सेटजेब, बिल्कुल सही जा रहा है आपका, तो यहां पर आपके पास सेटजेब प्रोडक्ट इन मेजर इन सेकंड, यानी ये जाएगा, ये नहीं, तो ए, और ए के साथ क्या आएगा? डी आएगा थर्ड के अंदर, बाकी सब गलत है क्योंकि यहां स्टेरिक हिंडरेंस काउंट होगा, यहां नहीं होगा, तो यहां सेटजेब, यहां हॉफमान। नेक्स्ट, यहां पर इन विच रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस हॉफमान, तो आप ही बताइए क्या यहाँ पर टर्शरी है? हाँ, यहाँ हॉफमान देखने को मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? यहाँ हॉफमान देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस वर्क कर रहा है, तो इसका आंसर फोर्थ का क्या जाएगा? ए। क्या यहाँ पर भी आपको मिल रहा है? कुछ हद तक, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास कार्बोएनायन बनेगा, तो जब आपको हॉफमान, यहां पर कार्बोएनायन बनेगा तो एनायन कहां ज्यादा स्टेबल होगा, इसके ऊपर या इसके ऊपर? इसके ऊपर, तो यहां पर भी आपको हॉफमान देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर फिर मैं बोल रहा हूं, एफ इस जगह वीक है, आपके पास क्या है? वीक लिविंग ग्रुप है, तो कार्बोएनायन इंटरमीडिएट बनता है, तो इंटरमीडिएट कार्बोएनायन बनता है, तो इस जगह आपके पास हॉफमान प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा मेजर, तो यहां पर भी हॉफमान देखने को मिल रहा है, यहां पर भी हॉफमान देखने को मिल रहा है, तो ए और बी दोनों जा रहे हैं, जा रहे हैं या नहीं जा रहे, अच्छे से देख लो। सी, एक और हम देख रहे हैं OH, अगर यहां पर हम बात करें कि OH है, ठीक है, हमारे पास कौन सा कार्बोकेटायन निकलने को देख ज्यादा अच्छा रहेगा? ऑब्वियसली यहां पर ये वाला टूटेगा, कार्बोकेटायन हमारे पास यहां बनेगा, ठीक है, अब बताइए गर्म भी कर रहे हैं साथ के साथ, तो कौन सा किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है? इसके पास, तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन इस तरफ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड एक तरह से देखा जाए तो ये वाला बॉन्ड इस तरह से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड पूरे की पूरी तरह से, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इस तरफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहां पर भी आपको हॉफमैन प्रोडक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा इस एल्कीन में भी, तो ये वाली एल्कीन पूरी अलग हो जाएगी और आपको
यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होता है और इसका इधर ज्यादा अल्फा है इधर के कंपेयर में, तो मेजर यहां पर भी हपमान ही होगा, बिल्कुल समझना। और यहां पर भी यही चीज हो रही है, ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, ये वाला इस तरफ होगा, तो हपमान ही यहां पर मेजर होगा। तो इन सभी रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, हपमान प्रोडक्ट मेजर देखने को मिलेगा। तो आपने देखा होगा, मुझसे सीख भी रहे, हपमान कब मेजर रहेगा, एक जब आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो, दूसरा इस तरह का लिविंग ग्रुप हो वीक हो, और तीसरा यहां पर ये भी वीक लिविंग ग्रुप ही है एक तरह से, और आपके पास यहां पर भी हपमान होगा, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास ज्यादा होंगे उससे आप डिसाइड करोगे। तो इसका आंसर भी क्या जाएगा, ए बी सी डी। तो सिक्स का आंसर, फोर्थ का आंसर क्या जा रहा है, ए बी सी डी, डन। अब क्वेश्चन नंबर फाइव, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन गिव ईवन सीबी मैकेनिज्म। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव में ईवन सीबी मैकेनिज्म किसमें देखने को मिलेगी, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या इसमें मिलेगी, हाँ वीक लिविंग ग्रुप है फ्लोरीन, तो यहां पर मुझे मिलेगी बिल्कुल। क्या बी के अंदर मिलेगी क्वेश्चन फाइव में, यहां पर भी फ्लोरीन है वीक लिविंग ग्रुप है, यहां पर भी मेरे को देखने को मिलेगी, ठीक है। यहां पर इस जगह भी मेरे को यहां कहां देखने को मिलेगा, फी में ये नहीं मिलेगा, ये तो SN2 ही देगा या E2 ही देखने को मिलेगा हमारे पास जो भी है। यहां क्या है, यहां पर रेजोनेंस मिलेगा, यहां पर भी मेरे को E1 CB देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि कार्बो एनायन जब बनेगा ना यहां पर, तो वो रेजोनेंस में होने की वजह से दोनों बिल्कुल CHO के साथ, यहां पर भी मेरे को E1 CB देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही कहा है आपने। तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी डी, इस जगह आंसर क्या होगा, ए बी डी। तो चलिए और आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, सिक्स का आंसर देखते हैं। तो ई टू इज ए कंसंट्रेट रिएक्शन इन विच बॉन्ड ब्रेक न्यू बॉन्ड्स फॉर्म एट द सेम टाइम इन ए सिंगल स्टेप, ई टू के अंदर सेम टाइम में होता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, तो सिक्स का ए आंसर तो सही है। दूसरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टूवर्ड्स ई टू डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, E2 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, तो यहां पर SN2 के विपरीत 3-2-1 ही होगा, SN2 में होता है 1-2-3 ऑर्डर, जबकि यहां पर 3-2-1, बाकी सब में 3-2-1, SN1 में 3-2-1, E1 में 3-2-1, E2 में 3-2-1, तो ये भी सही है हमारे पास। इन E2 रिएक्शंस बोथ बीटा हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप शुड बी एंटी पेरिप्लेनर, E2 के अंदर एंटी पेरिप्लेनर होते हैं, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। तो हमारे पास सिक्स का अभी तक तो ए बी सी है, बस एंटी प्लेनर होते हैं, मैंने आपको बताया भी है और ट्रिक भी बना रखी है इसकी, जो आप मेरे लेक्चर में देख सकते हैं। इन E2 एलिमिनेशन डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स डायस्टीरियोमर कन्वर्ट इनटू डिफरेंट स्टीरियो प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है, मैंने बताया स्टीरियो केमिस्ट्री है, काम ही E2 के अंदर आती है, ठीक है, या फिर SN2 में, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा काम आती है E2 के अंदर। तो ये हमारा आंसर क्या जा रहा है, ए बी सी डी। अब सिक्स को देख, सेवेंथ को देखते हैं, फॉलोइंग ग्राफ दिया है, दो स्टेप्स में दे रखा है और डेल्टा जी दे रखा है, तो बताइए क्या SN1 होगा, हाँ क्योंकि SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, E1 में कार्बोकेटायन बनता है, तो ए बी तो हो ही गया। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी इंटरमीडिएट बनता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन एल्काइन में भी इंटरमीडिएट, तो जिन जिन में इंटरमीडिएट रिएक्शन है वहां पर दो स्टेप्स में रिएक्शन होगा, तो इसका आंसर तो ए बी सी डी चारों जा रहा है, और इसी कारण ये सभी के लिए आंसर वैलिड होगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 8, CrCl2 है, परोक्साइड है, KOH है, तो देखिए यहां ड्यूटेरियम है, ये चार ड्यूटेरियम दे रखे, तो हाइड्रोजन परोक्साइड है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की देने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है, ये दिमाग में बिठा लो। तो चलिए ठीक है, क्या एक्स ये होगा, ड्यूटेरियम इतना आसानी से नहीं निकालेगा जितना हाइड्रोजन, क्या हाँ ये हो सकता है, हाँ, तो आंसर बी हो गया। तो प्रेडिक्ट करना है हमारे लिए एक्स क्या होगा, ये होगा ड्यूटेरियम, क्योंकि ये कायरल है, तो ये प्लस माइनस यानी डी और एल कुछ भी हो सकता है, ये बिल्कुल सही है बी डी। अब जब एल्कीन बनाने की बारी आएगी तो आपके पास ये एल्कीन क्या होगा, ये शिफ्ट होगा बॉन्ड, और ये शिफ्ट होगा कि अल्कोहलिक OH, तो OH ये कौन सा लेने का कोशिश करेगा, ध्यान से तो सोचेगा कि यहां पर होगा क्या, OH एक अल्कोहलिक OH अपने आप में एक बेस का काम करेगा और वो एच को लेने की कोशिश करेगा, तो आप ये बनाइए कि इनमें से कौन सी एल्कीन बनेगी, ये वाला हाइड्रोजन अलग हुआ तो ये एल्कीन यहां पर आएगी, तो ये आपके पास आएगा बी और डी, बी और डी आपके पास आंसर आएंगे, जो कि हाइड्रोजनेशन आपके पास आएगा, और आप दूसरा मत सोचो, ठीक है ना। तो ये आपके पास
एलिमिनेशन हो जाएगा। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखा जाए तो ड्यूटेरियम के कंपेयर में ज्यादा होती है। छोटी छोटी बातें जो आपके लिए आ सकती है। तो इसका आंसर क्या टिक करेंगे आप? बी डी। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे दूसरे लेक्चर वीडियो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिजियो सेलेक्टिविटी कैन बी ऑब्जर्व। तो ठीक है, सेलेक्टिविटी देखते हैं हम कहां हमारे पास आ रहा है। 9 के अंदर अल्कोहलिक KOH, तो कायरलिटी कहां आएगी मेरे लिए? क्या यहां पर होगा? यहां पर अल्कोहलिक KOH है। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पर बात करूंगा हर जगह तो इस कैन बी ऑब्जर्व, तो शुरू से स्टार्ट करता हूं ए से। ए अगर यहां पर हाइड्रोजन निकालना ही है तो एक ही हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। ए में कहीं कोई एल्कीन में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, यही हाइड्रोजन है, यही निकलेगा और कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। आ गई बात समझ में? फिर आता है बी। यहां पर सारे हाइड्रोजन सेम है तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पर ये वाला हाइड्रोजन निकलता है तो अलग आता है, यहां हाइड्रोजन निकलता है तो अलग आता है। तो यहां सेलेक्टिविटी, रिजियो सेलेक्टिविटी का मतलब एक से ज्यादा एल्कीन अगर आपके पास है और यहां पर ये वाला हाइड्रोजन निकलता है और ये वाला हाइड्रोजन निकलता है, अलग अलग प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी डी। और अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिल रहे क्योंकि अलग अलग हाइड्रोजन है, इसलिए इसका रोल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। ये भी हमारे पास मोर देन वन करेक्ट वाला है और इसके अंदर आंसर हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। वट इज आर ट्रू अबाउट रिएक्शन? देखिए वट इज आर ट्रू अबाउट रिएक्शन। 80% इथेनॉल है, बाकी का 20% इसका मतलब वाटर है। मेजर प्रोडक्ट इज गिवन बाय SN1। अरे भाई 3 डिग्री है तो ऑब्वियसली SN1 ही होगा, टेम्परेचर कम है तो ये बिल्कुल सही है। तो ए तो मेरे पास सही है। थ्रो इवन मैकेनिज्म 3 एल्कीन्स आर प्रोडक्ट प्रोड्यूस। अगर यहाँ पर कार्बोकेटायन बना तो अब आपके पास एक एल्किन यहाँ आएगी और अगर यहाँ पर आता है तो सिस और ट्रांस, तो टोटल कितनी बनेगी? 3 बनेगी, बिल्कुल सही है। सिस ट्रांस यहाँ यहाँ आइडेंटिकल है लेकिन बनेगी तो 2 ना, सिस और ट्रांस, तो इसलिए मैं यहाँ पर 3 एल्किन टोटल होगा। 3 मिथाइल, अगला पढ़ते हैं। 3 मिथाइल पेंटेन 3-ol इज ऑल्सो फॉर्म एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। यार कैसे देखें 3 मिथाइल, अगर ये OCH3 लगा C2H5 लगा दें हम आगे तो ये भी एक साइड प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बोकेटायन के ऊपर, तो आपके पास क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या है पहले तो ये पकड़ो, पेंटे OCH3। तो यहां आपके पास OH भी आ सकता है, बहुत सारी चीजें कि OCH3 भी आ सकता है, ये OH भी हो सकता है। ठीक है, OH कब हो जाएगा? जब कार्बोकेटायन है तो बहुत सारे इंटर साइड वाले प्रोडक्ट बन सकते हैं। OH भी आ सकता है, C2H5 भी आ सकता है, तो क्या हो सकता है? 1, 2, 3, तो 3 मिथाइल पेंटेन 3-ol, बिल्कुल सही है, ये भी बन सकता है। तो ए बी सी भी आ सकता है हमारे पास। फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमिनेशन प्रोडक्ट विल गिव 2 फ्रैक्शंस। यार मेजर प्रोडक्ट तो ये है SN1 से, और SN1 से हमारे पास है तो OCH3, C2H5 हमारे पास बना था, तो ठीक है। तो क्या ये कायरलिटी रख रहा था क्या? नहीं।